नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। फतेहपुर पुरानी पेंशन बचाओ अभियान रथ यात्रा का शुभारंभ 1 जून चंपारण के बिहार से यह यात्रा प्रारंभ की गई। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा कानपुर देहात और कानपुर नगर से होते हुए छिगली नदी पर आई, जहां पर विकास खंड मौली और देवमई के अटेवा संगठन और प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा फूलमाला और पुष्प के गुच्छे भेंट कर पेंशन पुरुष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। बंधु जी ने अपने संबोधन में कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। इंडिया समाचार, अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। संघर्ष दिन रात बंधु का, आस बन गए मेरे पेंशन पुरुष, आस बन गए मेरे पेंशन पुरुष, अब दिन रात बंधु का संघर्ष लिख देती है, दिन रात बंधु का संघर्ष लिख देती है। हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है। अगर यह बगावत है तो हाँ हमने बगावत की है, अगर यह बगावत है तो हाँ हमने बगावत बधाई देता हूँ कि आपने एक काफिला बना दिया, आपने तरा बना दिया और जोश पैदा कर दिया है, जैसे लग रहा है ये आजादी की लड़ाई चल रही है। धन्यवाद साहब, ये आपके निवेदन है। मैं आपसे हर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक साथ पूरी बात हो, ज्यादा कर लेगा। हम लोग यहीं से चले जाएंगे, वहाँ तो चलेंगे, पूरी बात होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी में तो व्यक्ति तो डालिया में जो आप धूप खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसका सारा सूत्र वहाँ दिया जाएगा। आप सारे लोग चलेंगे, हम लोग वहाँ बैठ करके पूरी बात करेंगे। फतेहपुर अटेवा जिंदाबाद, ब्लॉक के साथी जिंदाबाद, सारे लोग। और ये बस आपको बहुत बड़ी सी दिखाई पड़ रही है, बहुत लोग इच्छा होती है कि हम उसमें चले, इसमें संख्या 5-6-7 लोगों की है। मेरी इच्छा होती है मैं सबको बैठाऊं, लेकिन मुसीबत है जगह नहीं। अपनी अपनी गाड़ियां हैं, अपनी अपनी गाड़ियां Beep, 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 beep.